गुरबाणी दे बचन ने आप नारायण कलातार जग मैं परवरियो निरंकार आकार जोत जगमंडल करियो कि धन गुरु नानक दे महाराजियां ने वह अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर का सरूप लै करके संसार ते आना कीता। एक विद्वान लिखता है कहिंदा कल का पूत सल का पिता बन का भाई सबै जग छायो मरब का रब पम का गुरु तीन ददे जैसीस चुकायो तीन ससे पग चाटत जाके जाके रद ने पै पी खायो सात सात का मालक बालम नानक रूप धार के आयो। विद्वान ने बड़ी कमाल दी गल करना कीती। विद्वान कहिंदा कत का पूत कत दा अर्थ है कि बाबा कालू जी दे सपुत्र ने धन गुरु नानक दे पातशाह ते कत दा अर्थ ए भी है कि कक्के तो पाव बाबा कालू जी दे सपुत्र ने ते तत्ते तो पाव माता त्रिपता दी कुख दे जाए ने धन गुरु नानक दे पातशाह। अगे विद्वान कहिंदा कत का पूत सल का पिता सल दा अर्थ है कि बाबा श्री चंद जी दे पिता ने धन गुरु नानक दे पातशाह सल का पिता। अगे आ जांदा है लल्ले तो पाव बाबा लक्ष्मी दास जी बाबा लक्ष्मी चंद दे पिता ने धन गुरु नानक दे पातशाह बन का भाई सबै जग छायो बन दा अर्थ है बेबे नानकी दे प्राता ने गुरु नानक दे पातशाह भावें बेबे नानकी दे रिश्ते दे तौर ते प्राता ने पर बेबे नानकी ने धन गुरु नानक दे पातशाह जी नूं रब मन करके गुरु नानक देव पातशाह जी पूजा की। इस तरीके दे नाल विद्वान अगे लिखदा है कहिंदा मरब का रब मम्मे तो पाव भाई मरदाना जी दे रब ने गुरु नानक देव पातशाह राय बुलार दे भी रब ने गुरु नानक देव पातशाह भाई बाला जी दे भी रब ने गुरु नानक देव पातशाह मरब का रब पम का गुरु पम दा अर्थ है पंडित पप्पे तो पाव पंडित गोपाल दास पांधे दे गुरु ने गुरु नानक देव पातशाह मम्मे दा अर्थ के मौलवी दे गुरु ने धन गुरु नानक देव पातशाह तीन ददे जैसीस चुकायो तीन दद्या तो पाव के पहले ददे दा अर्थ है कि जिन्हियां भी देवियां ने वह गुरु नानक देव पातशाह नू नमस्कार कर दियां ने दूजे ददे दा अर्थ है कि देवते जिन्हें भी देवते गुरु नानक दे पातशाह नू नमस्कार करदे ने। इसे तरीके दे नाल तीसरे ददे दा अर्थ है दैंत जिन्हें भी दैंत ने कौडे राक्ष वर्गे वली कंधारी वर्गे फकीर भी गुरु नानक दे पातशाह नू नतमस्तक होंदे ने। इसे तरीके दे नाल विद्वान कहिंदा है तीन ससे पग चाटत जाके तीन ससियां दा अर्थ है ससे तो भाव सोम चंद्रमा दूजे ससे दा अर्थ है सूरज ते तीजे ससे दा अर्थ है सृष्टि भाव के सोम चंद्रमा सूरज समुची कायनात समुची सृष्टि गुरु नानक दे पातशाह दे गुणां नूं गारीए जाके रद ने भै पी खायो रद दा अर्थ है रारे तो भाव के रात ददे तो भाव दिन ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਤ ਸਾਤ ਕਾ ਮਾਲਕ ਬਾਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਤਬਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਤ ਤੇ ਸੱਤ 14 ਭਾਵ ਕਿ 14 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਪਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਤ ਸਾਤਕਾ ਮਾਲਕ ਬਾਲਮ ਨਾਨਕ ਹਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ।